विशेष में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेकी। आज विशेष में सबसे पहले बात करेंगे उड़ता हनुमानगढ़ की, और एक सवाल भी यहां पर है कि क्या राजस्थान का ये शहर नशे के दलदल में तो नहीं फंस गया। हम बात कर रहे हैं हनुमानगढ़ की। जिले में नशीली दवा तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब नशा तस्कर सरकारी दवाओं तक की तस्करी करने लग गए हैं। शहर में सरकारी दवाओं के स्टॉक तक नशे के तस्करों ने पहुंच यहां तक बना ली है, और जब ये मामला खुला तो पुलिस और प्रशासन के होश छोड़ गए। वहीं चिकित्सा विभाग पर भी अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले में नशे के सौदागर लगता है पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। नशे के सौदागर पहले डोडा पोस्ट, अफीम, गांजे के जरिए युवाओं को लत लगाकर अंधेरे के गर्त में धकेलते थे, लेकिन अब नशीली गोलियों के जरिए युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। नशा तस्कर इतने बेखौफ हैं कि अब वे सरकारी दवाइयों की भी नशे के रूप में तस्करी करने लग गए हैं। हनुमानगढ़ में ऐसा ही एक मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी हैरत में पड़ गए। दरअसल कुछ दिन पहले टाउन पुलिस ने नशा तस्कर शौकत से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की 600 नशीली गोलियां पकड़ी थी। खास बात यह है कि ये दवाएं सरकारी चिकित्सालय से बाहर मिल नहीं सकती। पुलिस ने जांच की तो मुख्य सप्लायर जिला औषधि केंद्र का हेल्पर रिंकू ही निकला। नशे के खिलाफ मुहिम चलाते हुए हमारे द्वारा 4-5 दिन पहले एक नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसमें शौकत अली उर्फ खट्टू नाम के व्यक्ति से हमें 600 एल्प्राजोलम टेबलेट बरामद हुई थी। सबसे मुख्य बात उसमें ये है कि वो गोलियां मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के तहत आने वाली थी, और वो बाजार में खुलेआम ही वितरित उसके द्वारा बेची जा रही थी। जिस पर हमने पूछताछ की तो उसने बताया कि मैंने ये रिंकू नाम के व्यक्ति से खरीदी है। तो हमारे द्वारा रिंकू की लगातार रेकी की गई और रिंकू को अगले दिन हमारे द्वारा अरेस्ट किया गया। टाउन पुलिस ने मुख्य सप्लायर जिला औषधि केंद्र के हेल्पर रिंकू को धर दबोचा तो उसके पास से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की 400 नशीली गोलियां बरामद हुई। नशे के सौदागर देखिए कैसे औषधि केंद्र में पैठ बनाकर नशे की गोलियां की तस्करी करते थे। पहले इसे समझिए, संविदा पर कार्यरत हेल्पर रिंकू मौका मिलने पर स्टोर से दवाएं निकाल देता था, दवाइयां निकालने के बाद आसपास छुपा देता था। शाम को पूरे स्टाफ के जाने के बाद वो दवाएं निकाल कर नशा तस्करों को महंगी कीमतों पर नशीली दवाएं बेच देता था। मुख्य सप्लायर की गिरफ्तारी के बाद चिकित्सा विभाग ने जब स्टोर की जांच की तो 1200 नशीली गोलियां कम मिली, जिसकी जांच के लिए अब चिकित्सा विभाग ने कमेटी का गठन किया है। मामले के सामने आने के बाद जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि विभाग सभी दवाओं की ऑडिट करवा रहा है। अभी हमें DDW से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें कि वो पर्टिकुलर एक मेडिसिन के बारे में 1200 मेडिसिन उन्होंने कम बताई है, लेकिन उनके भी कुछ जिस कैटेगरी की दवाइयां जो बता रहे हैं उस नंबर की दवाइयां जो पुलिस के पास बरामद हुई है उस पर्टिकुलर उस नंबर की दवाइयां वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरीके की एनिमस है जिसके लिए नोटिस जारी किया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की दवाओं पर नशा तस्करों की पहुंच से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या विभाग अपने स्टोर में दवाओं के स्टॉक का मिलान नहीं रखता, क्योंकि स्टोर का हेल्पर ही दवाएं नशा तस्करों को बेचता रहा और जिम्मेदार अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। विभाग को पता भी चला तो टाउन पुलिस की कार्रवाई के बाद। सवाल ये भी है कि कहीं नशा तस्करी के जाल में फंस कर ये शहर उड़ता हनुमानगढ़ तो नहीं बन गया। टाउन पुलिस की नशा तस्करों पर की गई कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां तस्करों से बरामद दवाएं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की थी, जिसके बाद में टाउन पुलिस ने एक अन्य कार्रवाई की। दोनों कार्रवाइयों के अंदर लगभग 1000 गोलियां मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में वितरित की जाने वाली दवाई थी, जिसके बाद में जिला कलेक्टर ने पूरी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग से तलब की। स्वास्थ्य विभाग ने भी शुरुआती जांच में पाया कि 1200 गोलियां जिला औषधि भंडार में और कम है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से जिला पुलिस लगातार नशे पे पाबंदी लगाने के लगातार प्रयास कर रही है, उसमें इस तरह के बड़े खुलासे के बाद में स्वास्थ्य विभाग किस तरह अपनी व्यवस्थाओं में सुधार कर इस तरह की अवैध गतिविधियों को रोक पाता है। मनीष